गुड डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर की कक्षा में आप सभी अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि नोटबुक या लैपटॉप को ओपन कैसे करते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने बाएं हाथ से नोटबुक या लैपटॉप के नीचे वाले हिस्से को दबाकर रखें इस तरह से, और दाहिने हाथ से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से ये आपकी नोटबुक ओपन हो जाएगी। अब आप इस सिल्वर बटन पर अपने एक हाथ से एक फिंगर को प्रेस करें, जिससे कि आपकी लैपटॉप या नोटबुक ओपन होने लगेगी। इस सिल्वर बटन को हम पावर बटन कहते हैं। इस पावर बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करना होता है और अपने हाथों को हटा लेना होता है, जिससे कि आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप नोटबुक ऑन होने लगता है। क्या आप सभी अपनी पेंट की फाइल को ओपन कर लेंगे? अगर नहीं, तो सामने दिए गए वीडियो को देखकर एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि विंडोज 7 में एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को टचपैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आए और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। अब इस बॉक्स पे एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढें और उस पर लेफ्ट बटन क्लिक करें। फिर इसके अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आना है और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी एमएस पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। क्या आप सभी बच्चों ने पेंट की फाइल को ओपन कर लिया है? आज की कक्षा में हम सीखेंगे इरेजर टूल क्या होता है। लाइन टूल की मदद से बहुत सारी पिक्चर्स भी बनाएंगे। यह पिक्चर्स होंगी जैसे कि घर, स्टार, बैट इत्यादि, और कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं यह भी सीखेंगे। अब हम एमएस पेंट में इरेजर टूल के बारे में जानेंगे। इरेजर टूल का उपयोग क्यों करते हैं? हम इरेजर टूल का उपयोग तब करते हैं जब हमें कोई भी पिक्चर्स बनाते हैं और उस पिक्चर्स को बनाते समय कोई गलती हो जाती है, और उस गलती को ठीक करने के लिए हम इरेजर टूल का उपयोग करते हैं। एमएस पेंट में इरेजर टूल को कैसे उपयोग करते हैं? जैसे हम लाइन टूल से लाइन खींचने के लिए टच पैड और लेफ्ट बटन का उपयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार सबसे पहले आपको इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस लाइन पर या हुई गलती के ऊपर अपने पॉइंटर रखने के बाद लेफ्ट हैंड से लेफ्ट बटन को दबाकर रखें और राइट हैंड का एक फिंगर टच पैड पर रखें और टच पैड के लेफ्ट बटन को दबाकर रखें। राइट हैंड की फिंगर को वहां तक लेकर जाएं जहां तक आपको मिटाना है। सामने दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि क्या यह पिक्चर आप सभी से बना सकते हैं या नहीं। इस चित्र को हम कौन से टूल की मदद से बनाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस पिक्चर्स को लाइन टूल के मदद से बनाएंगे और सबसे पहले हम लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे।
अब आओ हम सभी इस पिक्चर्स को बनाते हैं। जब आप सभी लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप अपने पॉइंटर को पेंट की सीट पर लेकर आएंगे। उसके बाद सामने दिखाए गए वीडियो को ध्यान से देखें और इसकी मदद से इस चित्र को बनाएं। आइए वीडियो को देखकर हम घर बनाना सीखते हैं। आप सभी सबसे पहले लाइन टूल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, अपने सीट पर लेकर आएं और फिर जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे एक लाइन खींचें, फिर पॉइंटर को साइड में रखें और यहां से दूसरी लाइन ऐसे खींचें। उसके बाद पॉइंटर को साइड में रखें फिर ऐसे छोटी सी लाइन को खींचें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर यहां से ऐसे एक छोटी सी और लाइन को खींचें फिर ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां से ऐसे उसके बाद पॉइंटर को साइड में रखें, फिर ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं और यहां पे मिला दें। इस तरह से इतना घर का पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद अब यहां पे अपने पॉइंटर को लेकर आएं और फिर ऐसे एक लाइन को खींचें। फिर ऐसे सीधी एक लाइन को और खींचे। उसके बाद फिर यहां पे पॉइंटर रखें और नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए। फिर यहां पे ऐसे इसको मिला दें। उसके बाद फिर यहां पे पॉइंटर रखें और ऐसे एक और लाइन को खींचें। फिर यहां से ऐसे एक और लाइन, फिर यहां से ऊपर की तरफ, फिर यहां से ऐसे। उसके बाद उसके ठीक साइड में यहां पे एक लाइन को खींचें, फिर नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए। फिर यहां पे एक और लाइन, उसके बाद इन दोनों लाइन को ऐसे
एक लाइन खींच कर मिला दें। यहाँ पे ध्यान दें कि आपकी थोड़ी सी लाइन आगे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे यहाँ से ऐसे लाइन को खींचें। फिर यहां से ऊपर की तरफ अब यहां पे ऐसे एक और लाइन को खींचे। फिर उसके बाद ऐसे अब यहां से नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को मिलाते हैं। फिर अब बीच में ऐसे उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपका घर बन जाएगा। आइए अब सीखते हैं इसे मिटाते कैसे हैं। आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को ढूंढें, जो कि CTRL लिखा होगा। उसे आप अपने बाएं हाथ की एक फिंगर से दबाकर रखें और दूसरे हाथ से A को दबाएं। दोनों की को एक साथ प्रेस करना है, जिससे कि आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को ढूंढें और उसे एक बार प्रेस कर दें, जिससे कि आपका पेज या जो बनाया हुआ चित्र होगा वह डिलीट हो जाता है। सामने दिए गए चित्र को देखकर बताएं, इस चित्र को हम कौन से टूल की मदद से बनाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस पिक्चर्स को लाइन टूल की मदद से बनाएंगे और सबसे पहले हम लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब आओ हम सभी इस पिक्चर्स को बनाते हैं। जब आप सभी लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप अपने पॉइंटर को पेंट की शीट पर लेकर आएंगे। उसके बाद सामने दिखाए गए वीडियो को ध्यान से देखें और इसकी मदद से इस चित्र को बनाएं। लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने कर्सर को सीट पर लेकर आएं और फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, फिर कर्सर साइड में रख के क्लिक करें, फिर ऊपर लेके जाएं। यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे लाइन को लेकर आएं, फिर यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ इस लाइन को मिलाएं। उसके बाद यहाँ ऊपर से इस लाइन को इस वाले लाइन से, फिर अब ये लाइन यहां से ऐसे ऊपर की तरफ, ये आपका स्टार बन गया। इस चित्र में आपको बैट बनाना है। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें और बैट बनाएं। सभी लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने कर्सर को शीट पर लेकर आएं, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लाइन खींचें, ठीक उसके साथ एक और लाइन। उसके बाद ऊपर दोनों को आपस में जॉइंट करें, फिर यहाँ से नीचे इधर की तरफ लाइन को लेकर आएं, फिर कर्सर को साइड में रखें, क्लिक कर दें, फिर उसके ठीक साथ दूसरी लाइन को ड्रैग करें। अब यहाँ पर नीचे पूरा सीधा लाइन, कर्सर को साइड में करें, फिर दूसरी लाइन उसके साथ में, कर्सर
कर्सर को साइड में रखें, लेफ्ट बटन दबाएं और फिर नीचे ये दूसरी लाइन एक साथ मिला दें। इसके बाद यहाँ पे कर्सर रखें, फिर एक लाइन खींचें उसके बाद इसके बीच में यहाँ से नीचे की तरफ लाइन को लेकर आएं, लाइन स्ट्रेट हो, फिर इस कोने से ऊपर की तरफ और फिर दूसरे साइड कोने से यहाँ से नीचे की तरफ। ये आपका बैट बन गया। इस चित्र को देखें और बताएं कि यह किस चीज़ का चित्र है। यह चित्र पेपर प्लेन का है और आप सब इस चित्र को बनाने के लिए इसके वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से देखकर साथ में इस चित्र को बनाएं। सभी बच्चे लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद कर्सर को अपने सीट पर लेकर आएं और ऐसी लाइन सीधा ड्रैग करें, फिर दूसरी लाइन इसके साथ ऐसे ऊपर की तरफ, कर्सर साइड में रखकर क्लिक करें, उसके बाद ये लाइन ऐसे कनेक्ट होगी, फिर यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके ऐसे आएं, कर्सर साइड में रखकर क्लिक करें, अब यहाँ से तीसरी लाइन को इसके साथ कनेक्ट करें, अब फिर यहाँ से फोर्थ लाइन, यहाँ से लाइन यहाँ पर लेकर आए, उसके बाद कर्सर को साइड में करें, यहाँ से ऐसे लाइन कनेक्ट हो गया, ये आपका बीच में ऐसे लाइन, फिर यहाँ से एक और ऐसे, आपका पेपर प्लेन बन गया। इस चित्र को देखें और बताएं कि यह किस चीज़ का चित्र है। और आप सब इस चित्र को बनाने के लिए इसके वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से देखकर साथ में इस चित्र को बनाएं। लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद ऐसे सीट पे अपनी लाइन खींचें, उसके बाद यहाँ से सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, फिर दूसरी लाइन बीच में गैप देकर ऐसे खींचें, उसके बाद ये दोनों लाइन आपस में कनेक्ट कर दें, फिर नीचे की तरफ ये लाइन ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक बीच में गैप होना चाहिए, दूसरी लाइन से उसके पास से यहां से बनाएं, ये ऐसे लाइन आएगी, फिर ऊपर ये ऐसे, आपस में इसको कनेक्ट कर दें यहां से नीचे की तरफ, ये आपका प्लग बन गया। अब आज के कंप्यूटर क्लास की सबसे आखिरी चित्र तलवार का है। इस चित्र को आप सभी खुद से बनाकर दिखाएं। लाइन टूल को सिलेक्ट करें, उसके बाद कर्सर को अपने सीट पर लेकर आए, फिर यहां से ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, कर्सर को साइड में रखें, यहां से ये नीचे की तरफ लाइन लेकर आए, अब कर्सर को साइड में करें, फिर ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ, कर्सर साइड में रखकर क्लिक करें, ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, यहां से ये लाइन ऐसे, फिर इसको साइड में क्लिक करें, ये लाइन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, बॉक्स बन गया आपका पूरा, फिर यहां से दूसरी लाइन नीचे की तरफ, फिर ये दूसरी लाइन यहां से नीचे की तरफ, अब इन दोनों लाइन को आपस में कनेक्ट करना है,
तो यहां से ये लाइन ऐसे, फिर ऊपर से ये लाइन यहां से ऐसे, इसको ऐसे ठीक कर लें, मिला लें, फिर अब बीच में ये लाइन ऐसे, ये अब आपका स्वॉर्ड बन गया। अब आप सभी को पेंट की फाइल को क्लोज करना है क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। पेंट की फाइल को बंद करने के लिए सबसे पहले हम अपने पॉइंटर को क्लोज बटन पर लेकर जाएंगे और उसके बाद टच पैड का लेफ्ट बटन दबा देंगे। यह क्लोज बटन पेंट की फाइल में दाहिने तरफ के ऊपर कोने में है। यह क्रॉस की चिन्ह की तरह दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप सभी क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कैंसल, डोंट सेव और सेव। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए हम डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, तब आपकी पेंट की फाइल बंद हो जाएगी। अब आप सभी को अपने नोटबुक को शट डाउन करना है। क्या आप सबको याद है कि हमने पहले कक्षा में अपने नोटबुक को कैसे शट डाउन किया था? वह शट डाउन करें, और जिस बच्चे को पता नहीं हो तो सामने दिखाए जा रहे इस वीडियो की मदद से शटडाउन करना सीखें। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में हमने सीखा कि इरेजर टूल क्या होता है, इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं। हमने आज की कक्षा में लाइन टूल की मदद से बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं और कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं यह भी सीखा है।